Let's welcome Mr. Atul Kohli. Hello, Mr. Kohli. Please welcome on the show. Thank you, sir. Please come. Please come. Hello, Mrs. Hello. Kohli. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. बाकी बातों से पहले मैं मिस्टर कोहली को एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो सुनने में बहुत ही साधारण लगेगा लेकिन जिसका असली मतलब सिर्फ मिस्टर कोहली को पता है। मिस्टर कोहली, बास्केटबॉल खेलने का मौका मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलते हैं। आई बिलीव यू आर अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर। जब खेलते थे तब थे, अभी भी जब मौका मिलता है तो खेल लेते हैं। जी, आइए। थैंक यू। मिस्टर कोहली के साथ आई हैं उनकी मदर मिसेस कोहली। आप हमें मिस्टर कोहली के बचपन के बारे में कुछ बताइए। कैसे थे ये, नटखट थे? खूब ज्यादा। बचपन से बड़े जाने के बाद में शरारती तो काफी थे ही, शुरू दिन से अच्छी शरारती कर लेते थे और खूब अच्छी तरीके से जॉइंट फैमिली में होने के नाते से ना इनको मौका भी मिला सबके साथ खेलने। बहुत बड़ी फैमिली है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी yes. होगी। और आज हम आपको ये भी बता दें कि आज मिस्टर कोहली हमारे साथ जो शेयर करेंगे वो बात उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं की, यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ भी नहीं। मिस्टर कोहली, आप हमें बताइए उस खास मोमेंट के बारे में जो शायद बास्केटबॉल से जुड़ी है। राइट, ये एक हमारा मैच था रेलवे स्टेडियम में जहाँ पर हमारे स्कूल की टीम खेलने गई थी जी। 1980-81 की बात है। अच्छा, तो वहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। मैच स्टार्ट जब हुआ तो देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट खेलते हुए right. तो जब बॉल के लिए तो जंप मैं जब जंप करा ऊपर तो बॉल तो हाथ में नहीं है बट समहाउ मैं अपने मुंह के बल सीधा फ्लोर पे गिर गया। सीमेंटेड फ्लोर था, उस पे सीधा मैं गिरा जाके। सो दैट टाइम फॉर अ मिनट और सो मुझे कोई पेन नहीं हुई। जब मैं फेस के बल पूरा गिरा हूँ कुछ नहीं हुआ, आई कॉन्ट फील एनीथिंग। लेकिन जब माय बॉडी एंड एवरीथिंग वाज वेरी लाइट, बहुत हल्का महसूस कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था। और उस एक्सपीरियंस के बारे में उसके बाद आपने सोचा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा उसके बाद। काफी टाइम तक मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा। और ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको सेकंड टाइम भी हुआ? राइट, हाँ जी। वो क्या था? वो एक कार एक्सीडेंट था, ये 84 के अंदर हुआ जी। 84 फरवरी में हम पूरी फैमिली मेरठ से आगे जगह है रामराज जी, हम लोग वहाँ पे मेरे किसी कज़न की मैरिज थी, वो अटेंड कर हम लोग वापस आ रहे थे जी। सो वो सामने से आई डोंट नो क्या हुआ, वो एक टेम्पो, वो जो हाँ। ट्रैक्टर वाले हाँ, जो होते हैं हाँ, हाँ। ट्रैक्टर और ट्रॉली जो होता है जो बड़े वाले जो होते हैं, वो बीच सड़क में छोटी सड़क होती है गांव। उस टाइम इतने हाईवेज वगैरह कहाँ थे, आई मीन इट वाज वन वे रोड ओनली। सो इट वाज वो जो चला रहा था वो सड़क के बीच में, कभी वो लेफ्ट ले रहा था कभी राइट ले रहा था। तो आई कुड सी कि फादर इज आल्सो फाइंडिंग बिट डिफिकल्ट टू कि कहाँ से निकलें, मतलब सीधा अपना जाएं या गलत से निकलें। तो जब बिल्कुल पास आ गया सो फादर थॉट कि साइड से निकलते हैं और उसने भी अपना ट्रैक्टर उसी दिशा में घुमा दिया। सो इट वाज नॉट अ हेड ऑन कोलिजन, इट वाज साइड कोलिजन। हां, स्किडिंग जैसा होता है। इट वाज अ साइड कोलिजन जी। आई रिमेंबर गोइंग टू द डैशबोर्ड, हां, हिटिंग द डैशबोर्ड, बट देयर वाज नो पेन। अगेन वापस वही एक्सपीरियंस। तो ये इंसिडेंट भी नहीं, मैंने कोई किसी से कभी शेयर नहीं किया। कभी शेयर नहीं किया आपने? और इसके बारे में भी आप, मुझे लगता है आपके मन में बहुत सवाल हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपका अनुभव उसमें क्यों ऐसा था। हाँ, ये सवाल आपने कई बार अपने आप से पूछा होगा, किसी से शेयर नहीं किया। शेयर नहीं कर ही नहीं सकते थे मुझे लगा।
लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं है। जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया उसे समझने की और कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम बुलाते हैं दो ऐसे लाइफ हीलर्स जिनकी मुस्कुराहट ही हर मर्ज की दवा है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। How are you? Please come. Hi. How are you? Thanks. Mr. Kohli, Dr. Lakshmi, Mrs. Kohli. आप और मिस्टर कोहली एक सफर पे जाने वाले हैं जहां इनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे सवालों के कुछ जवाब दीजिए। यस। या हम ये जानना चाहते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? Every lucid dream is an out-of-body experience. Okay. So, when we are dreaming every night, we are actually going out of body. Okay. So, there are different types of dreams, and one of the dreams is actually we travel outside our body. Our consciousness ventures into different experiences, different planes of existence. So that's called OBs. So lucid dreams are OBs. Okay. So lucid dreaming is out of body. Out of body experience. Okay. Like so it is different from NDE, near death experience. As we are talking about this. Yes. NDE, near death experience, will have a component of OBE, out of body experience. Hmm. But not out-of-body experiences or NDEs, near-death experiences. Okay. They're two different things. Out-of-body experiences are not near-death experiences. Lekin lucid dreaming is out-of-body experience. Yes. Okay. ठीक है। जी। लेकिन उस दौरान क्या थोड़ा सा डर हो सकता है इंसान के मन? There can be a possibility of a strange feeling or scared feeling. Because first time when it is happening, we feel scared. Oh, what's happening? Gee. I'm out of my body. Gee. How to get into my body again? So generally that fear can come. Aur kya usi dar ki wajah se kabhi kabhi wo jo safar hota hai, out of body experience ka safar, kya wo chhota ho sakta hai, Dr. Lakshmi? Yeah, kai baar aisa ho jata hai ki when we are just coming out of the body, wo dar aa jati hai. Jab wo dar aa jati hai, we just come into the body. Because here ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा स्थूल शरीर है, हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा और एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो जब ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो ये स्थूल शरीर से बाहर आ जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम नींद में ना सपने आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रही है, ये आउट ऑफ बॉडी हो रही है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बट व्हेन इट इज हैपनिंग कॉन्शियसली, व्हेन वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, थोड़ा सा डर आ जाता है पहली बार जब वो हो रहा है। तो देन द डर मेक्स अस टू जस्ट यू नो कम बैक टू अवर बॉडी, एंड देर इज ऑलवेज एक कनेक्शन होती है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में, एक कनेक्शन होती है, या एक डोर की तरह, एक सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। या आज पहली बार एक इंसान अपने शरीर को यही छोड़कर एक ऐसे सफर पर जाएगा जो सपनों से भी परे है। मिस्टर कोहली, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। ग्रेट। तो चलिए आइए। आज अतुल कोहली गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है। उनके साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो कोहली जी के अनुभव में छुपे संदेश को जानने में उनकी मदद करेंगे। आज कोहली जी जानेंगे कि क्यों वो मौत के करीब पहुंचकर वापस आए, और इसके गवाह बनेंगे
हम सब। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। मेक योरसेल्फ वेरी वेरी रिलैक्स्ड एज यू इनहेल एंड एक्सहेल। आई वुड लाइक यू टू कंप्लीटली रिलैक्स व्हाइल यू आर ब्रीदिंग इन। Allow all the fresh energies to flow into your body. While you are breathing out, I would like you to completely let go. Let go of any stress, tensions, worries that are bothering you right now. Let each cycle of breathing take you deeper, deeper, deeper into this relaxation. From top of your head to the bottom of your feet, allow these waves and waves of relaxation to envelop you, to surround you, to take you more deeper, deeper than ever before. At this point of time, I'd like you to connect with a powerful beam of divine, healing, relaxing light on top of your head. Allow your mind to choose the color of this light. You may visualize, picturize, perceive, feel this warm, healing, relaxing light. Allow this light to surround your body like a cocoon. Feeling more safe, secure, deeply relaxing. At this point of time, any anxieties, any stress, allow them to be dissolved into this beautiful cocoon of light. Totally relaxing. Right now, I'd like you to send out your mind to the most beautiful place of nature, your favorite place of nature, the place where you feel comfortable, safe, and deeply relaxed. It could be forests, mountains, rivers, oceans. It could be a beautiful garden. I'd like you to explore, experience that beautiful favorite place of nature. Listen to the sounds coming from that nature. And smell the fragrances coming from that nature. Few moments time, you'll be going into a more deeper, deeper trance kind of state. You can start describing me about what you are feeling, seeing, experiencing. Ab kya mehsoos kar rahe hai? Feeling the mountains. I'd like you to go totally connect with this beautiful place of nature. At this point of time, I'd like you to tell me more about these mountains, more about what you are experiencing in that place of nature. Beautiful lake around. Beautiful lake. It's a crystal clear lake. Crystal clear lake. Right. Very good. Very good.
at this point of time, I'd like to describe about what you are experiencing in this deep trance kind of state, this deep relaxation. It's a fireball. Huge fireball hitting the... Yeah. Tell me more about this. Hitting the earth. Right. How do you feel? It's not hurting me. Right. It's sad to see a beautiful thing going. Right. In this state of deep relaxation, you can access all the memories from your subconscious mind. I'd like you to go back in time to a significant memory, which is very significant, which has completely altered your life later on. Be willing. Give yourself the permission now. Relive, re-experience as if it is happening now. You can now describe about what you are experiencing. We are at the basketball field. Right. The whole team is there. Right. There's a match to be played. Ready to enter the court. Just warming up with the ball. Right. Coach is calling us, bula rahe hain. Yes. Meri position change kari hai unhone. Been asked to play at the back position. Right. Go on. Progress to the next moment. The match has started now. We have scored few baskets. We are winning by 2 points. Yes. Ball is coming. Jump to hold the ball. Right. I fell the round. Girra. Okay, right. You're falling down. Throw bahut uncha tha. I couldn't catch the ball, and while falling I am looking at the ball. Right. What's happening? Mujhe chot nahi laga. Right. And सब लोग इकट्ठा हो गए. फ्रेंड ऑफ माइन इज देयर. यस. नाउ एवरीवन इज गैदरिंग अराउंड मी. आई डोंट वांट टू कम बैक. बट राइट. हाउ डज इट फील टू यू टू बी देयर? वेरी नाइस. वेरी नाइस. बहुत अच्छा है. Yeah. I'd like to tell me more about this. What are you seeing from above? How does it look like? No emotions attached, nothing. I mean, you're just a free bird. Yes.
I'd like you to be there for another few moments. Watch that scene. Now I'm up. I've come back to the body. You're back to the body, right? How are you feeling to be inside the body now? Too tired. Too tired. Body is tired. Yeah. But I'm not hurt. Right. The coach asked me to wait for some time. Yes. And I'm back in the court. Yeah. Very good. How are you feeling? Feeling of care. Right. Loving. That's it. Right. At this point of time, slowly detach yourself from that memory. I'd like you to visit another significant memory that happened in this life. I'd like you to visit another significant memory that happened in this life. Slowly detach yourself from that memory. I'd like you to visit another significant memory that happened in this life. Allow yourself now to go deeper, deeper, deeper into your subconscious plane, where this important memory, significant memory to you, which is waiting there, which wants to now surface spontaneously, effortlessly. Allow it to happen right this moment. Feel what you feel, see what you see, once you are connected to that memory. Notice every detail. Allow yourself to relive it, re-experience it. I'm not relaxed. Right. Yeah. Right. Slightly tired. Slightly tired. Right. Yeah. अब क्या देख रहे हैं? अब क्या अनुभव कर रहे हैं? Allow yourself. Highway पे खड़े हैं. कार ठीक हो रही है. What are you doing in that moment? Checking the car. Right. I'd like to go on describing what is happening in that moment. There's a mechanic who is asking for a... Right. We ask him the way. Father says, I ask him where it is, way to the merit. He says, drop me on the way. He said, fine. Father says, ask him to come in. Right. The car is here on the highway. It's a small highway. Single road type. Right. There's someone who's a tractor is coming. Right. There's a huge lorry behind it. He's driving in the middle of the road. Right. I can make our father is confused. He's coming zigzag on the road. It's very close. I'd like you to completely experience it, relive it. Go on describing now.
takes a left, father turns it on the right, he also takes a कार में बैठा है मैं कार को सीन को ऊपर से देख रहा हूँ। मेरी बॉडी भी पड़े वहाँ पे डैशबोर्ड पे सर है। फादर का स्टीयरिंग पर है। A small child also in the car. Right. I think he's my nephew. Your nephew, right. He is yowling, howling. Cheek red, ho rahe ho. Right. My sister is... She's hurt badly. Right. On the jaw. Mechanic is between the tire and the car door. I can see people gathering. My mother, my baby, they come out of the car. Whatever you're feeling, completely feel it. Come back to the body. I don't want to, but I come back. Yeah. I shake my father. He gets up. He's feeling fine. He's I ask for the help for this mechanic who was taking us. Taken out. He's been taken out. We rush them to the hospital immediately. Right. It's love for the human, basically. Yeah. There's no need to come back, but right. I came back for him, I think. Feel to be there in that soul state, in that outer body state. It's not this world. Right. It's a beautiful place to be. Right. I came to this world back for the trust, but right. No packages attached. No baggage attached. Right. This is the time now. Let us go much deeper, deeper, deeper into this experience. When you are just the soul, describe what you are experiencing. There's nothing like right. Beautiful, ugly, right. Dirty. Water, fire. There's nothing of this sort. It's all what we imagine, what we see, we feel right. Here in human body. Right. I'd like you to completely be aware of whatever that you learn from the source, whatever insights that you get from the source, whatever messages that comes into you in this state of consciousness. I'd like you to describe about this experience in the soul.
all living beings have souls in them. All our lives is only what we do to ourselves. Right. We let the circumstances change ourselves. You have a lot of other souls surrounding you the moment you move out of the body. The close people who are around you, they are your soulmates basically. Yes. So why hurt the soulmates? Right. Very good. At this point of time, I'd like you to also understand about this second chance. Purpose of returning back to the body. Totally trust the intuition. Meaning is clear, to trust. To trust. To have faith. To have faith. Message, this meaning into your being. Allow yourself now, completely understand, let this be assimilated in yourself. Trust and faith. All that wisdom, the deeper insights that you gain from this, exploring the past, exploring these memories, I'd like you to completely register it in your consciousness. And aapas, vapas laut aaiye. Dheere dheere, dheere dheere. I'd like you to bring back all that positivity, all that insights that you gained. Completely come back. Feel the body, this current moment. Feel your breath. Ank kholiye. Take your own time. Take your own time. Good. Do you want to be seated? तो मिस्टर कोहली, आपको अपने सवालों के जवाब मिले, कैसा रहा? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, नो डाउट। तो आप थोड़ा और हमें गहराई में बताइए। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि जो डर है, जो फियर है, वो सब हमारा खुद का बनाया हुआ है। खूबसूरत ये जीर, जिंदगी से बहुत अहम बात कही है इन्होंने। ये जिंदगी बहुत हमारे दर्शक इससे इसे हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। दिस इज कोहली, फ्लावर्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर कोहली, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। प्लीज आप इसे देखिए। दिस रिप्रेजेंट्स लाइफ, योर विजडम। यस, एक्सलेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर कोहली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसेस कोहली। थैंक यू डॉक्टर न्यूटन। थैंक यू डॉक्टर।